हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के चार क्वेश्चंस, और वो भी चार ऐसे क्वेश्चंस जो हर एक एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, अब यहाँ दिया हुआ है कि 14 है और ये एक सिंबल दे दिया हुआ है हैशटैग का, एंड देन 13 है इज इक्वल्स टू 9 है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ देखोगे 27, 36, 18। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि 14 और 13 से ये, अब ये जो सिंबल है ना हैशटैग का, अब यहाँ पे क्या किए हो कि ये 9 आ गया, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे दोस्तों, अगर हम इस 14 को 1+4 कर ले तो ये हो गया 5, और इस 13 को 1+3 कर ले तो ये हो गया दोस्तों 4। यानी यहाँ जो आपको जो डिजिट है, इस डिजिट को हम प्लस कर लिए तो ये मिला 5, ये मिला 4, और ये अब ये हैशटैग के जगह अगर हम प्लस का यूज़ कर ले तो 5+4 दोस्तों ये हो जाएगा 9, जो कि है यहाँ पे। तो ये अगर प्रोसेस यहाँ सेटिस्फाइड है तो इसे यहाँ भी सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। चेक करते हैं, तो यहाँ देखोगे 2+7 यानी 9, एंड देन प्लस ये हो गया 3+6 यानी अगेन 9, तो 9+9 18 है यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, 4+6 10, एंड देन प्लस 3+1 यानी 4, अब इसको प्लस करोगे तो 14। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आपके सामने ये है। अब यहाँ आपको फाइंड क्या करना है, ये इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आप लोगों के ख्याल ये भी आ रहा होगा कि यहाँ 36 है, यहाँ 36 है, तो यहाँ भी क्या होगा, 36 होगा। ऑप्शंस में भी देखोगे तो 36 तो है भी नहीं, अगर ऑप्शंस में अगर होता भी तो ये क्या होता, प्रोसेस पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये 36 होगा या नहीं, ठीक है ना। तो कैसे ये 36 आया, तो दोस्तों यहाँ ध्यान दोगे, अब 4 है यहाँ 8 है, अगर इन दोनों को हम क्या करें, अगर मल्टीप्लाई करें 4 × 8, 8 × 4 जा हो गया दोस्तों 32, एंड देन इस प्लस इस 4 को प्लस कर दे तो ये हो जाएगा आपका 36। तो ये प्रोसेस क्या यहाँ सेटिस्फाइड है, चेक करते हैं। तो 3 × 10 करोगे 30, एंड देन प्लस इस 6 को अगर हम ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 36, जो कि है यहाँ पे। तो पता चल गया प्रोसेस क्या होगा। तो अब क्या करोगे, 5 × 9 करोगे, 5 × 9 एंड देन प्लस 4, तो 9 × 5 जो हो गया 45, एंड देन प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 49। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ देखोगे दिया हुआ है सी डी आई पी एंड देन ए ई, और ये क्वेश्चन मार्क ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए एग्जाम्स में आपको ये पता लगाना है कि ये कैसे आया। अब ये देखोगे सी यहाँ फर्स्ट लेटर है तो इसका आई कैसे आया। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों सबसे पहले अगर हम इसे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर पोजिशंस को लिखें तो ये हो जाएगा 3, एंड देन ये हो जाएगा 4। और आई का दोस्तों देखोगे पोजिशन अगर लिखोगे तो ये हो गया दोस्तों 9, एंड देन पी का हो गया 16। तो कुछ रिलेशन पता चल रहा है आपको। यहाँ देखोगे ये क्या हो रहा है, ये जो 3 है ना, 3 का ये स्क्वायर क्या हो रहा है दोस्तों 9। उसी तरह से 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो दोस्तों क्या होगा 16। तो पता चला। तो अब हम क्या करना है, आपको ए ई का आपको कोड निकालना है क्या होगा। तो ए एंड देन ई, सबसे पहले पोजिशंस को लिखोगे, ये हो गया 1 एंड देन 5, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, एंड देन 5 का स्क्वायर करोगे दोस्तों तो ये हो गया 25। और 1 में कौन सा लेटर होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी बोलोगे ए, एंड देन 25 में वाई। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जा ए वाई, जो कि ऑप्शन नंबर है दोस्तों सी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दिया हुआ है क्या कि 24 है, 36 है, 21 है, एंड देन ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले तो ये पता लगाना है दोस्तों कि ये 24 से 36 आया कैसे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देखोगे अगर इन दोनों डिजिट को आप अगर प्लस करोगे तो 2+4 कितना हो गया 6, और ये जो है 36, 6 का क्या है अभी स्क्वायर है ना, तभी तो जाके 36 हुआ। तो आपको प्रोसेस पता चला। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 1 है यानी 2+1 करोगे तो ये 3 होगा, और 3 का स्क्वायर दोस्तों 9। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज मैंने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करवाए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ऐसे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।